ये अदालत सभी गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मुजरिम आर्यन को दफा 302 और 375 के तहत सजाए मौत सुनाती है, टू बी हैंग टिल डेथ। भैया कौन आ रहा है का? हाँ भाई सर, मेरा एक दोस्त आ रहा है, वो देखिए वो आ रहा है। वो ही तो अपने वो मन्नू साहब हैं। दो ही तो पुलिस वालों का नाम है इस शहर में, एक है अपने एसीपी साहब जो है पानी की तरह ठंडे, और ये हैं उनके बेटे अंगारे की तरह गर्म। जहाँ गलती देखी नहीं वहीं मारना शुरू हो जाते हैं। हनीमन कहाँ जा रही हो? कभी हमारे साथ भी तो पढ़ लो। रन नोट अभी तो गया अभी जान दे लड़की को। क्यों भाई, तेरी बहन लगती है क्या? वो पता नहीं लेकिन मैं तेरा बाप लगता हूँ। और आ रहे हैं यार, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। हाँ यार, अबे तू तो बिल्कुल नहीं बदला यार, तू तो सस्पेंड हो ही जाएगा यार, तेरे पापा तो कर देंगे अब तो ऐसे तो। अबे तू वो सब छोड़, तू ये होता तेरी लव स्टोरी कैसी चल रही है। अरे यार अब क्या बताए, कल पहली डेट है यार। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू तुझ में रब दिखता है। यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है। यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है। यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब। कोई मूवी देखने चले? काश ऐसा हो, मूवी थिएटर में सिर्फ हम दोनों हो तो। चलो तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर ही देते हैं। मूवी तो इनको मैं दिखाऊंगा। प्रीति, जब से तुम्हें पहली बार देखा है मुझे तुमसे अंधा प्यार हो गया। प्रीति कौन हो तुम? कौन हो तुम? शक्ल दिखी अपनी कभी आईने में? मैं सिर्फ आयरन की, आर्यन की। इस बेइज्जती का बदला ये दोनों भुगतेंगे। कितनी बार समझाना है आपको कि कानून हाथ में नहीं लेना है। इंस्पेक्टर अभिमन्यु, यू आर नाउ सस्पेंडेड। पर पापा वो गुंडे थे। लीव नाउ। अरे आज प्रीति के साथ मूवी देखने जाना है, लगता है लेट हो जाऊंगा। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Preeti। कौन हो तुम? आर्यन कहाँ पर है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? मालिक रॉकी भाई का फोन है। हेलो पापा, पापा वो मुझसे गलती हो गई, मर्डर हो गया गलती से। अरे पता नहीं क्या करूं मैं अब। देखो आप कुछ करो पापा, देखो आप।
ए, कितनी बार बोला है रे इन सब झमेलों में नहीं पढ़ने का, चल निकल लो वहां से, देखता है मैं कावड़े को मोड़ना। सुन तावड़े, रॉकी से एक मर्डर हो गया है। एक काम कर, क्या नाम है उस लड़के का है? आर्यन, सारे सबूत उसकी तरफ मोड़ दे। साहब काम बड़ा है, माल तो ज्यादा ले गए। ठीक है ठीक है। गिरफ्तार करो इस लड़के को। दिल्ली में हुए प्रीति हत्याकांड को हुए 3 दिन हो चुके हैं। पब्लिक का आक्रोश अपनी चरम सीमा पर है और पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पर आज का मुद्दा यह है कि इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के जमाने में कैसे कोई तरीके मौजूद नहीं जहां इतने अपराधों को होने से पहले ही रोका जा सके और हम अपनी महिलाओं को सुरक्षा दे पाए। तो आइए जानते हैं हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने एक डिवाइस तैयार की जिसका नाम है वुमेन सेफ्टी हेयरपिन। इस डिवाइस को महिला मुश्किल स्थिति में अपनी आवाज द्वारा एक्टिवेट कर सकती है और इस डिवाइस के एक्टिवेट होते ही आसपास में रहने वाले 500 मीटर के दायरे में सभी लोगों को SMS अलर्ट पहुंच जाएगा और साथ ही साथ एक SMS अलर्ट निकटतम पुलिस स्टेशन में भी पहुंच जाएगा और पुलिस के साथ साथ एक ड्रोन भी लॉन्च कर दिए जाएंगे ताकि ड्रोन जल्द से जल्द उस लोकेशन पे आके सायरन बजाए ताकि आसपास में रहने वाले सभी लोगों को होने वाली घटना के बारे में पता लग जाए। इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलते ही इस डिवाइस को मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। धन्यवाद। योर ऑनर, इस व्यक्ति ने पहले अपनी प्रेमिका के साथ बलात्कार किया, फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इस गिनों ने अपराध पर प्रोसिक्यूशन दिया ही मांगे कि इस व्यक्ति को फांसी होनी चाहिए और केवल फांसी। अरे तूने ये सब क्यों किया? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम जानते हो ना प्रीति से कितना प्यार करता था। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। उस दिन जब मैं पहुंचा तब ये सब हो चुका था। अच्छा ये होता, उस दिन किसी को देखा था? जब मैं ऊपर दौड़ता हुआ जा रहा था तब मैं किससे टकराया था? उसने काले रंग का कुछ पहना हुआ था। अगर मानिए प्लीज मुझे बचा ले यार, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, कोई मुझे फंसा रहा है। तू चिंता मत कर, अगर तू निर्दोष है तो मैं तुझे बचा के रहूंगा। सभी की टैपिंग कर और कुछ भी सस्पिशियस हो मुझे डायरेक्टली रिपोर्ट करना है। ठीक है? तो आंटी पापा ये रहे सबूत। इन सबूत से ये साबित हो जाता है कि आर्यन घटना के वक्त वहां मौजूद ही नहीं, और तो और नेता और उसके बेटे का हाथ है इन सबके पीछे। आपको जान के हैरानी होगी कि ये रिकॉर्डिंग्स आप भी के इंस्पेक्टर तावड़े की है जिसने ये सारे सबूत मिटाए थे। इंस्पेक्टर तावड़े को बुलाइए। इंस्पेक्टर तावड़े, ये क्या है? कितने पैसे खाए पूरे एविडेंस मिटाने के लिए? नहीं नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया है। तो ये सुनो, अभी एक काम कर, क्या नाम है उस लड़के का है? आर्यन, सारे सबूत उसकी तरफ मोड़ दे। इंस्पेक्टर तावड़े, आप जैसे गद्दार की वजह से डिपार्टमेंट का नाम खराब हो रहा है। यू विल बी नाउ डिसमिस्ड फ्रॉम दिस केस। इंस्पेक्टर अभिमन्यु,
You'll take the charge of this case. हेलो मंत्री जी, आपके बेटे को गिरफ्तार करने का ऑर्डर निकला है। गाड़ी निकालो। श्रीकांत भार्गव, तो ईमानदारी का बहुत चस्का चढ़ा है तुझे। सुना है हमारे खिलाफ कोई फाइल भी तैयार की हो? कोई फायदा नहीं है। सुना है ना, कल उस लौंडे को फांसी चढ़ने वाली है। कुछ नहीं कर सकता तू, कुछ नहीं। चुपचाप थोड़े पैसे ले और मामले को रफा दफा कर। चौधरी, ये वर्दी तेरे जैसे नेताओं के लिए बिकाऊ नहीं है और तेरे बेटे को तो फांसी होके रहेगी। सिर्फ दो दिन, सिर्फ दो दिन में अपने बेटे को छुड़वाऊंगा और ये तीसरे दिन जो तेरी अकड़ है ना, वर्दी के निकल जाए। चौधरी, तीन दिन तो काफी है, तेरी बारात तो आज रात ही निकलने वाली है। नाउ गेट लॉस्ट। रॉकी भैया, जल्दी से थिएटर में आजिए, कुछ गड़बड़ हो गई है। तावड़े, इतने जल्दी में क्यों बुलाए? चल बेटा, समय आ गया तेरे ऊपर जाने का। तू करेगा मुझे गिरफ्तार? तू जानता भी है मेरा बाप कौन है? दो दिन में छूट जाऊंगा मैं। मैंने कब कहा तू चेंज जाएगा? कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, ये एक साजिश है इस लड़के को बचाने की और मंत्री जी को बदनाम करने की। पुलिस आए दिन फेक एनकाउंटर करती रहती है, इसलिए ये प्रोसिक्यूशन इस एनकाउंटर पे एक अलग इंक्वायरी की मांग करता है। इस बात पे डिफेंस का क्या कहना है? योर ऑनर, सारे सबूत आपके टेबल में है जो ये साबित करते हैं कि आर्यन निर्दोष है। कत्ल हुआ 10 से 12 के बीच में और आर्यन अपने ऑफिस से गया 12 बजे। थिएटर में मिली सिगरेट का डीएनए मंत्री पुरुषोत्तम चौधरी के बेटे के साथ मिलता है। इंस्पेक्टर तावड़े की गवाही उसका सबूत है। इस सबसे एक चीज साबित होती है कि हत्या रॉकी ने की और मंत्री ने सारे सबूत पैसे के दम पर बदल दिए। आज जब पुलिस रॉकी को पकड़ने गई तो पुलिस पर गोली चली और जवाबी कार्रवाई में रॉकी मारा गया। आजकल हर कोई पुलिस पर फेक एनकाउंटर का सवाल उठा देता है, लेकिन ये एनकाउंटर नहीं, आत्मरक्षा थी। अब एसीपी साहब अपने बेटे पर तो गोली नहीं चलाएंगे। आज ये मंत्री जैसे लोग पैसे के दम पर कानून को खरीदने की कोशिश करते हैं। आज 3 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है अदालतों में। एक गरीब कोर्ट की तारीख और खर्चे में ही बर्बाद हो जाता है और अमीर लोग बच जाते हैं। उन गरीबों को न्याय देना जरूरी है। आज समय है कि हम इस चीज को स्वीकारें कि हाँ, आज हमारा न्याय अंधा हो चुका है। और अंधा नहीं तो इन जैसे मंत्रियों ने इसे लंगड़ा तो कर ही दिया है। आज निर्भया हत्याकांड को 7 साल बीत गए, तब जाके फैसला आया है। हमारे संविधान में लिखा है रूल ऑफ लॉ, इसे बदल कर करने की जरूरत है द रूल ऑफ जस्टिस, क्योंकि आज शायद कानून के चक्कर में इंसाफ कहीं पीछे छूट गया है। द डिफेंस रेस्ट माय लॉर्ड। ये अदालत आपकी बातों से सहमत है। अपने फैसले को बदलते हुए ये अदालत मुजरिम आर्यन को बाइज्जत बरी करती है और मंत्री जी को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। दिस वॉज द ट्रू प्रूफ ऑफ सत्यमेव जयते। द केस इज क्लोज्ड। और नेताजी, जेल की हवा कैसी लग रही है? बकवास बंद कर इंस्पेक्टर। एसीपी ये बता, मेरा बेटा मच्छर तो मार नहीं सकता, तेरे बेटे को कैसे मारा?
हमने कब कहा कि तेरे बेटे ने गोली चलाई है? तुझे क्या लगा मैं गन लोडेड रखूंगा? चौधरी, तूने कहा था ना बेटे को 2 दिन में छुड़ाएगा, हमने सोचा तेरी थोड़ी सी मदद भी कर ले।